नमस्कार, न्यूज़ टुडे इंडिया में आप लोगों का स्वागत है। आज फिर से हम लोग लेकर आए हैं कोविड-19 का अपडेट लेकर। इस्लामपुर पौरसभा के अंतर्गत कितने केसेस हैं, साथ ही उत्तर दिनाजपुर जिले की वर्तमान परिस्थिति क्या है, पश्चिम बंगाल की वर्तमान परिस्थिति क्या है और पूरे भारतवर्ष की वर्तमान परिस्थिति क्या है। आपको बता दें, कल जो है इस्लामपुर पौरसभा के अंतर्गत कोई भी नए संक्रमण होने की संख्या, पॉजिटिव होने की संख्या नहीं थी। आज हम लोग सीधे बात करेंगे इस्लामपुर पौरसभा के पौर प्रशासक मानिक दत्त महाशय से, जानने की कोशिश करेंगे कि आज इस्लामपुर पौरसभा के अंतर्गत कितने केसेस हैं तथा कौन कौन से वार्ड में या फिर कौन कौन से पारा में, मोहल्ला में, इलाके में कितने पॉजिटिव केस आज आए हैं। बोलछी दादा, आज के की अपडेट रही है, कतगुलो केस आज के नतून रही है एवं कौन कौन वार्डे किंबा कौन कौन पारा रही है, एक तो जानिए दें। आज के मोट 20 जन पॉजिटिव रही है, तार मध्य हेल्थर रही है 4 जन, खुदिराम पल्लीते रही है 3 जन, चोपड़ा झाड़े रही है 1 जन, এটা মিউনিসিপ্যালিটির মধ্যের কথা বলছি। এইচডি অফিস দেখাচ্ছে, এইচডি অফিসে 1 জন, দেশবন্ধু পাড়াতে 2 জন, থানা কলোনিতে 3 জন, দুর্গানগরে 1 জন, রামকৃষ্ণপল্লীতে 2 জন, ইসলামপুর পুলিশ স্টেশনে 1 জন, তিস্তা কলোনিতে 1 জন, পাড়ৌস পাড়াতে 1 জন, মোট 20 জন। তাহলে আজকে মোট 20 জন, আগে 48 ছিল, আজকে 20, তাহলে মোট 48 জন হলো। হ্যাঁ, দিনে পর দিন বেড়েই যাচ্ছে ইসলামপুর পৌরসভাতে পজিটিভ কেসের সংখ্যা। ইসলামপুর বাসীর জন্য, পৌর এলাকায় যারা বাস করেন তাদের উদ্দেশ্যে কি বার্তা দিবেন? আমি তো মানে গতকাল রিপোর্টটা খুব মানে ভালো ছিল, কোনো পজিটিভ কেস ছিল না, ভালো লাগছিল। কিন্তু আজকে তো আবার 20 জনের দেখা দিচ্ছে, মানে দেখা যাচ্ছে আজকে রিপোর্টে 20 জন। আমি তো সবসময়ই আপনাদের মাধ্যমে, সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে, যে কোনো প্রিন্ট মিডিয়ার মাধ্যমে আমি বারবার একই কথা বলি যে মাস্ক পরুন, সচেতন থাকুন, আপনি সুস্থ থাকুন, আপনার পরিবারকে সুস্থ রাখুন, সমাজকে সুস্থ রাখুন, গোটা ইসলামপুরকে সুস্থ রাখুন, গোটা পশ্চিমবঙ্গকে সুস্থ রাখুন। আমরা সবাই সুস্থ থাকলে সকলে শান্তিতে বসবাস করব। বলছি দাদা, এই 68টা যে পজিটিভ কেসের সংখ্যা রয়েছে, তারা প্রত্যেকে কি সুস্থ রয়েছেন, ভালো অবস্থায় রয়েছেন? হ্যাঁ, সিটি ভ্যালু 15 নিচে এলে পরে, যেটা হচ্ছে মেডিকেল টার্ম, সিটি ভ্যালু 15 নিচে এলে পরে তাদের সুপার স্প্রেডার বলে, 15 নিচে একটাও সিটি ভ্যালু নেই, তারা প্রত্যেকে সুস্থ রয়েছেন? হ্যাঁ, তারা প্রত্যেকে সুস্থ রয়েছেন বা সুস্থ হচ্ছেন। আচ্ছা, মানে আউট অফ ডেঞ্জার রয়েছেন? হ্যাঁ, আউট অফ ডেঞ্জার। তারা প্রত্যেকে কি বাড়িতে রয়েছেন? হ্যাঁ, সব হোম আইসোলেশন আছে। ঠিক ঠিক, ধন্যবাদ। हम लोग बात कर रहे थे इस्लामपुर पौरसभा के पौर प्रशासक से। आपको बता दें, जो इस्लामपुर पौरसभा के अंतर्गत जो है आज के दिन में 20 नए, पिछले 24 घंटे में अगर बताएं आपको तो 20 नए केस आए हैं, 20 नए जो है पॉजिटिव जो नए केसेस आए हैं आपको एक बार बता देंगे। जो पहले जो है 48 केसेस थे इस्लामपुर पौरसभा के अंतर्गत, और आज जो है 20 नए केस आए हैं, यानी कि टोटल जो है 68 केस इस्लामपुर पौरसभा के अंतर्गत अभी तक पॉजिटिव हो गए हैं। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जैसा बता रहे थे इस्लामपुर पौरसभा के पौर प्रशासक, इन सभी 68 जो व्यक्ति जो कोविड पॉजिटिव हुए हैं उनका जो है सीटी वैल्यू, मेडिकल टर्म में सीटी वैल्यू एक वर्ड है, इस सीटी वैल्यू जो है इन सभी का जो है 15 से ऊपर है, जिसके कारण जो है इनसे सुपर स्प्रेडर, 15 से अगर नीचे रहे तो सुपर स्प्रेडर कहलाता है, लेकिन ये जो 15 से ऊपर है सभी का सीटी वैल्यू, जिसके कारण जो है सभी जो है अपने अपने घर में होम आइसोलेशन में हैं। और फिलहाल जो है यह 68 केस जो हैं वह जो है फिलहाल जो है स्वस्थ हैं, ऐसा ही बता रहे थे इस्लामपुर पौरसभा के पौर प्रशासक। आपको बता दें, जो इस्लामपुर पौरसभा के अंतर्गत आज जो 20 नए केस आए हैं वो कौन कौन से इलाके से हैं, कौन कौन से मोहल्ले से हैं, कौन कौन से वार्ड से हैं, आपको बता दें। आज जो 20 केसेस आए हैं इसमें से 4 जो हैं केस वह जो है हेल्थ स्टाफ है। उसके बाद बता दें, खुदिरामपल्ली इलाके से जो है 3 नए केस आए हैं पॉजिटिव होने की, एसडीओ ऑफिस से जो है 1 नए केस, देशबंधु पारा से 2 नए केस, थाना कॉलोनी से 3 नए केस, दुर्गानगर इलाके से 1 केस, रामकृष्णपल्ली से 2 केस, इस्लामपुर पुलिस स्टेशन से जो है 1 केस, तिस्ता कॉलोनी से 1 केस, पावर हाउस पारा से जो है 1 केस है।
आपको फिर से बता दें, हम लोगों ने बात की इस्लामपुर पौर प्रशासक, इस्लामपुर पौरसभा के पौर प्रशासक मानिक दत्त महाशय, उन्होंने बताया कि आज जो है नए 20 पॉजिटिव केस आए हैं और इस 20 पॉजिटिव केस को लेकर टोटल जो संख्या है इस्लामपुर शहर में अभी तक जो है 68 हो गए हैं, जिसमें से सभी व्यक्ति जो है फिलहाल आउट ऑफ डेंजर हैं और अपने घर में जो है इस वक्त जो है होम आइसोलेशन में है। साथ ही साथ आप लोगों को बार बार हम लोग न्यूज़ टुडे की टीम की ओर से जो है अनुरोध करना चाहेंगे कि आप लोग अवश्य जो है बार बार जो है आप लोग जब कभी भी जब बाहर निकले अवश्य ही मास्क पहनिए। साथ ही साथ आप लोगों से अनुरोध करेंगे कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन कीजिए और जो है घर में बार बार साबुन से हाथ धोइए। आपको बता दें पूरे पश्चिम बंगाल में जो है आज नए केस की संख्या जो है 22,155, आज पूरे पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटे में जो है नए केस की संख्या 22,155 है। उत्तर दिनाजपुर जिले का आपको बता दें, उत्तर दिनाजपुर जिले में अभी तक जो है टोटल केसेस 21,293 आए हैं और आज के दिन में जो है 175 नए केसेस आए हैं। पूरे उत्तर दिनाजपुर जिले से 175 नए पॉजिटिव केस की संख्या हम लोगों के सामने आई है। आपको बता दें टोटल जो स्वस्थ हो गए हैं वह 20,219 और आज के दिन में जो है 57 व्यक्ति जो है स्वस्थ हो गए हैं, यही जानकारी है। टोटल अभी तक जो मृत्यु है वह 244 मृत्यु है और आज जो है WB वेस्ट बंगाल का जो हेल्थ बुलेटिन है वहां पर जो दिखा रहा है आज जो है 2 व्यक्ति की जो है मृत्यु हुई है, यही अभी हम लोगों के पास अपडेट है उत्तर दिनाजपुर जिले को लेकर। आपको पूरे भारतवर्ष का एक बार मानचित्र बता दें, जो पूरे भारतवर्ष में जो है आज कितने पॉजिटिव केस हुए हैं आपको बता दें, जो टोटल जो है आज के दिन में नए केस की संख्या जो है 1,94,720 पूरे भारतवर्ष में हुई है और एक्टिव केस अभी पूरे भारतवर्ष में जो है 9,55,319 है, जो है साथ ही साथ बता दें रिकवर स्वस्थ जो हो गए हैं उसकी संख्या 3,46,536,536,536 है। टोटल जो डेथ्स है 4,84,655 आज के दिन में जो है डेथ की संख्या 442 है पूरे भारतवर्ष में। यह अपडेट जो है पूरे भारतवर्ष का है। एक बार फिर से आपको बता दें जो इस्लामपुर पौरसभा के अंतर्गत जो है 20 नए केसेस आए हैं, कौन कौन से इलाके से हैं एक बार फिर से बता दें। यह जो जानकारी हम लोगों के पास आई है वह इस्लामपुर पौरसभा के पौर प्रशासक के माध्यम से आई है। खुद उन्होंने यह बात बताया है कि इस्लामपुर पौरसभा के अंतर्गत जो है 20 नए पॉजिटिव केस आए हैं, हेल्थ स्टाफ उसमें से जो है 4 व्यक्ति हैं, खुदीराम पुलिस से जो है 3 व्यक्ति हैं, चोपराझार इलाके से 1 पॉजिटिव केस है, इस्लामपुर SDO ऑफिस से 1 पॉजिटिव केस है, देशबंधुपारा से 2 पॉजिटिव केस है, थाना कॉलोनी से 3 पॉजिटिव केस है, दुर्गानगर इलाके से 1 पॉजिटिव केस है, रामकृष्ण पुलिस से 2 पॉजिटिव केस है, इस्लामपुर पुलिस स्टेशन से 1 पॉजिटिव केस है, तीस्ता कॉलोनी से 1 पॉजिटिव केस है तथा पावर हाउस पारा से 1 पॉजिटिव केस है। यही जो है तथ्य हम लोगों के पास आज के दिन में आया है और यही जानकारी फिलहाल तक हम लोगों के पास है। आप लोगों से हम लोग न्यूज़ टुडे की ओर से बार बार अनुरोध करना चाहेंगे कि आप लोग जो है बार बार जब कभी भी अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो अवश्य जो है मास्क पहन के निकलिए, साथ ही बाजार घाट हाट में कहीं पर जाते हैं तो सोशल डिस्टेंस अवश्य ही मेंटेन कीजिए और घर पर जो है बार बार साबुन से हाथ अवश्य धोइए। यह हम लोग न्यूज़ टुडे की ओर से आप लोगों को रिक्वेस्ट करेंगे। साथ ही साथ अनुरोध करेंगे कि हम लोगों की हर छोटी बड़ी अपडेट हर खबर को जो है आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों तक हम लोगों का जो ये अपडेट है, न्यूज़ है, इन्फॉर्मेशन है पहुँच पाए, यही हम लोगों का उद्देश्य है। इसी तरह की हर छोटी बड़ी खबर हर अपडेट जानने के लिए आप लोग न्यूज़ टुडे इंडिया के साथ जुड़े रहिए। मेरे सहप्रतिनिधि दीप्तो विश्वास के साथ मैं राज सहनी इस्लामपुर से।